हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस इज अ प्रोग्राम सेल डेथ। इसमें हमारी बॉडी में एक ऐसी प्रोग्रामिंग होती है जिसके थ्रू किसी भी सेल से किसी भी टिश्यू में मिस हैपनिंग हो रही है, जस्ट लाइक ट्यूमरस ग्रोथ, प्रोटीन मिसफोल्डिंग, कोई म्यूटेशन डेवलप हो रहा है, तो इन सब प्रॉब्लम्स को रोकती है, इन सब प्रॉब्लम्स से बचाती है। एपोप्टोसिस में एपोप्टोसिस क्या करती है, जिस सेल्स में भी ये प्रॉब्लम हो रही है उस सेल्स को किल कर देती है। एपोप्टोसिस को सुसाइड ऑफ द सेल भी बोलते हैं। एपोप्टोसिस फर्दर टू टाइप्स की होती है, एक फिजियोलॉजिकल और एक पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल, जैसे कि हमारे बॉडी में कहीं भी टिश्यू इंजरी हो जाए तो उसके आसपास इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो न्यूट्रोफिल्स जो होता है वो उस इन्फ्लामेशन वाली साइट पर आ जाता है और हमारे टिश्यू इंजरी जहाँ पर हुई है उसके आसपास में कुछ माइक्रोब्स भी एंटर कर जाते हैं, तो उन माइक्रोब्स को किल कर देता है न्यूट्रोफिल्स। और जब न्यूट्रोफिल्स का वर्क हो जाता है तो उसका कोई काम नहीं रहता, अब उसका डेड होना भी ज़रूरी है, तो एपोप्टोसिस की प्रोसेस से वो न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि एक सेल है तो वो डेड हो जाता है। अब दूसरा है पैथोलॉजी। तो डीएनए से प्रोटीन बनता है, उससे पहले एमिनो एसिड की चेन में फोल्डिंग होती है, उससे नॉर्मल फंक्शनल प्रोटीन बनती है, लेकिन एमिनो एसिड की चेन में मिसफोल्डिंग हो जाए किसी भी वजह से तो नॉन फंक्शनल यानी ख़राब प्रोटीन बनेगा, किसी काम का नहीं होगा। ऐसे सेल किसी काम के नहीं रहेंगे जिस सेल में ये बना है, तो उस सेल की डेथ होना ज़रूरी है, तो एपोप्टोसिस की प्रोसेस से उस सेल की डेथ हो जाएगी। सो दैट्स ऑल अबाउट द एपोप्टोसिस। Thank you.